हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले एक बार फिर से आप सभी को जिन्होंने एनडी टू क्वालिफाई किया है कंग्रेचुलेशन बोलूंगा, बधाइयां देना चाहूंगा। और अब आप लोगों ने पूछा था कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इस बार हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अगर आपने एनडीए निकाला है तो आप एसएसबी में भी एक अच्छा रिजल्ट दें। तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ सेशन शेयर करते चलेंगे। तो उसमें सबसे पहली स्टेप क्या है, अब एनडीए टू क्वालिफाई करने वाले आप में से दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो जो ऑलरेडी पहले भी कभी क्वालिफाई कर चुके हो और बाई चांस एसएसबी में आउट हुए हो, और एक जो न्यू स्टूडेंट है। तो उस सबका क्या प्रोसीजर है वो सब डिस्कस करता हूं, पर मैं पहले बता दूं मैंने अभी तक दो सेशन शेयर किए। आप में से कई बच्चे अभी भी कंटिन्यूसली ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपने जो स्कोर कैलकुलेट किया था आपका स्कोर बिल्कुल वही होगा, पर उस स्कोर के बाद भी जैसे मैं बोलता हूं 320-330 के आसपास कट ऑफ है, उस स्कोर के बाद भी अगर आपको आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओएमआर में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स हुई है या ओवर डार्किंग में मिस्टेक हुई है जो हमें समझ में नहीं आता कई बार, तो ऐसी कुछ भी चांस हो सकते हैं। पर यह सेशन डेडिकेट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एनडीए टू क्वालिफाई किया है। और देखिए एनडीए टू अगर आपने क्वालिफाई किया है तो एसएसबी में जाने से पहले कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 डे का क्या प्रोसेस होता है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो आपके वर्बल और वर्बल रीजनिंग के टेस्ट होते हैं वो भी हम आपको यहां पर इन सेशन के थ्रू लेने वाले हैं। आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको आप सॉल्व करेंगे, स्टोरी किस ढंग से लिखना है, यानी एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। पर सबसे पहले स्टेप जो होती है वो होती है कि आपको रिजल्ट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी की साइट पर जाके आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर न्यू है तो आपको रजिस्ट्रेशन करा के अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। और ये जो स्टेप वन है उसके बाद ही आप स्टेप टू या स्टेप थ्री पे जाएंगे। फिर भी मैं चाहूंगा कि इस स्टेप की डिटेल यानी पहला प्रोसेस क्या है उसके लिए मैं अपने एक्सपर्ट प्रतीक सर को बुलाऊंगा जो जीएस की क्लास भी लेते हैं, आपने उनकी क्लासेस भी देखी हैं, वो आपको वन बाय वन छोटी छोटी स्टेप बताएंगे। और मैं आप सबको बोलूंगा इस सेशन को ध्यान से सुनिए, कई बार आप वही डाउट पूछते हैं जो हम लोग वीडियो में कवर करते हैं, ऐसा ना हो इसलिए हर चीज को ध्यान से सुनिए, समझिए। और प्रतीक सर आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे कि अगर आप नया स्टूडेंट हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा, अगर आप ऑलरेडी एक या दो बार क्वालिफाई कर चुके हैं और एसएसबी आउट है तो क्या करना होगा। प्रतीक सर चाहूंगा कि आप बच्चों को बहुत डिटेल में ये बात बताएं, और इस सेशन में हम इसी बात को फोकस करेंगे कि उन्हें क्या करना है और एक बेसिक आइडिया, फिर सेशन टू जो हम लेंगे उसमें स्क्रीनिंग के लिए क्या क्या होता है और उनके हम टेस्टिंग प्रोसेस को भी कंटिन्यू करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स एंड कंग्रेचुलेशंस टू एवरी चैप हु हैज मेड इट टू द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी। आई कंग्रेचुलेट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। सो अब वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है उनको अब क्योंकि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स के सामने अपियर करना है, एसएसबी इंटरव्यू फेस करना है, दैट विल बी अल्टीमेटली डिसाइडिंग वेदर यू विल बी ज्वाइनिंग द फोर्सेस और नॉट। तो एसएसबी के इंटरव्यू के पहले कुछ सर्टेन प्रोसीजर्स वगैरह है, विल बी टॉकिंग अबाउट देम एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ्स। सो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये है कि भले ही आपने इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया हो, इंडियन नेवी के लिए अप्लाई किया हो, एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया हो, डजंट मैटर, मगर अगर आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है तो फर्स्ट थिंग नाउ यू हैव टू डू इज कि अब आपको रिटन एग्जाम का रिजल्ट आने के दो हफ्तों के अंदर अंदर 14 दिनों के अंदर अंदर आपको www.joinindianarmy.nic.in इस वेबसाइट पर जाना है, और इंडियन आर्मी की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट है ये, उसका एड्रेस है, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। जब आप इस वेबसाइट में अंदर एंटर करेंगे तो वहां पर एक ऑफिसर सेक्शन करके एक पर्टिकुलर पोर्शन आता है, ऑफिसर सेक्शन में आपको फिर क्लिक करना है। ऑफिसर सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में फिर आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। आपकी प्रोफाइल जब आप क्रिएट कर देंगे, कर चुके होंगे प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करनी है, और जब आपकी प्रोफाइल आप क्रिएट कर चुके होंगे उसके बाद में फिर एसएसबी के का जो कॉल लेटर वगैरह है वो फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल है उसके थ्रू। तो यहां पर इस बात का हमको ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन में जो भी आप प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे इसमें हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से देनी है, आधार नंबर हमारा बताना है, हमारा अपना नाम जो है 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो एनडीए के रोल नंबर में भी था, हमारे फादर एंड मदर का भी वही नाम होना चाहिए जो 10th की मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखा गया है, इसके बाद में आपका 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, आधार कार्ड का के डिटेल्स वगैरह और भी काफी फर्दर डिटेल्स होती हैं, वो सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। एक बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इंफॉर्मेशन देते वक्त में कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप
ईमेल आईडी इस्तेमाल करेंगे, वो ईमेल आईडी वही होना चाहिए जो आपने एनडीए के फॉर्म भरते वक्त यूपीएससी की वेबसाइट पर अपने फॉर्म की क्रेडेंशियल्स में डाला था। यानी कि लेट से अगर मैंने एक ईमेल डाला है pratik.99@gmail.com, तो अगर मैंने इस ईमेल का इस्तेमाल किया था यूपीएससी का फॉर्म भरते वक्त एनडीए के लिए, तो वो प्रोफाइल बनाते वक्त भी मुझे इसी ईमेल का इस्तेमाल करना है अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त में, और इसी ईमेल आईडी पे फिर मुझे एसएसबी का अपना कॉल लेटर आएगा एंड देन फिर फर्दर प्रोसेस वगैरह जो है उसके बाद में कंटिन्यू होगा। तो ये तो हमारा प्रोसेस रहा कि जो हमें अभी करके खत्म करना है, जो फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं वो तो ये रही कि आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना है, भले ही आपने कोई भी प्रेफरेंस दिया हो, आर्मी नेवी एयरफोर्स डजंट मैटर, मगर आपको जाके अपनी एक आईडी बनानी है इसके ऊपर। अगर आपकी पहले से कोई आईडी नहीं है, तो अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है देन दैट्स नॉट एन इश्यू, बट अगर आपकी आईडी नहीं है तो पहला काम जो आप करेंगे, यू विल बी मेकिंग एन आईडी एट दिस वेबसाइट। वेबसाइट में जाइए, ऑफिसर सिलेक्शन या सेक्शन को ओपन करिए, ऑफिसर सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, वहां पर फिर अपने को एक प्रोफाइल अपने क्रिएट करनी है। जो पहले से बना चुके हैं प्रोफाइल, उन्हें इसकी पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो रजिस्टर्ड ईमेल आपने यूपीएससी का फॉर्म भरते वक्त डाला था, वही रजिस्टर्ड ईमेल आप यहां पर डालिए। अगर आप पहले से वेबसाइट बना चुके हैं और वो यहां पर जो ईमेल मेंशनड है और वहां पर जो ईमेल आपने दिया था उसमें डिफरेंस है, तो यहां पे अपना ईमेल अपडेट करिए। इस तरीके से ये काम करके आप खत्म करेंगे तो उसके बाद में फिर आपको एसएसबी का कॉल आएगा। नाउ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एसएसबी जो है इस पूरे एग्जामिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि एसएसबी अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि आप रिकमेंड होके आर्मी नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे या फिर अनफॉर्चुनेटली अगर आप रिकमेंड नहीं होते हैं देन यू विल बी आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो एसएसबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और द क्रक्स ऑफ द एंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर। एंड जैसे कि हमको पता है कि एसएसबी जो है आपका दो स्टेजेस में होती है, स्टेज वन जिसको हम लोग स्क्रीनिंग स्टेज भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्टेज टू जो आपकी मेन एसएसबी होती है जो चार दिनों तक चलती है। सो अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या फिर एसएसबी का जो इंटरव्यू होता है जो दो फेजेस में कंडक्ट होगा, दैट इज स्क्रीनिंग एंड द मेन एसएसबी, उसका प्रिपरेशन कैसे करना है, उसमें कितने टेस्ट होते हैं, उस टेस्टों में क्या चेक किया जा रहा है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, सब चीजों के बारे में हम लोग हर एक सेशन में बात करेंगे। आने वाले सेशंस में हम लोग विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें विल बी टॉकिंग अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसीजर, जो आपका स्क्रीनिंग का प्रोसीजर है। हम लोग स्क्रीनिंग के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है एंड ऑल दैट। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट सेशन एंड उसके बाद वाले सब्सिक्वेंट सेशंस में एसएसबी की अलग अलग टेस्ट की के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या आपका प्रिपरेशन का तरीका या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोस थिंग्स। सो राइट नाउ आई लाइक टू एंड दिस सेशन विथ the simple message that whosoever who has not been able to make it to the final list of the NDA, just don't lose your heart, keep on preparing, keep on practicing and just try to rectify whatsoever have been the mistakes that you made in this attempt and just don't try to repeat them in the next attempt. Just improve yourself and as an improved version of yours, go to the examination with all your dedication and confidence, just appear and next time make it. And the person who have, and all the guys who have made it to the list this time, I'll say that don't waste even a single day. Keep start preparing for the SSB, and if it is possible, come and join the sessions that we are going to start here in January, dedicated specifically to the SSB preparation. And in case if aap nahi join kar paate, you are not able to come, then follow the video lectures that you are going to follow regarding each and every stage of the preparation of the service selection board. And keep on working over yourself. Go there, give your level best and expect the best. Thank you and Jai Hind.